सब्सक्राइब कीजिए सिविल सॉल्यूशन चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्टेयर। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से स्टेयर को डिज़ाइन किया जाता है। तो स्टेयर डिज़ाइन में बेसिकली हमें दो चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है। पहला, नंबर ऑफ़ स्टेप्स। आप जिस भी पर्टिकुलर हाइट के लिए स्टेयर बना रहे हो उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स बनेंगे। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चाहिएगा उस स्टेयर को बनाने के लिए। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ़ स्टेप्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है स्टेयर के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। स्टेयर में हमारे जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप का हमारा जो वर्टिकल पोर्शन होता है उस वर्टिकल पोर्शन को हम बोलते हैं राइजर। इसी तरह से स्टेप का जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड साइज हैं राइजर और ट्रेड के जो जनरली यूज़ किए जाते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में राइजर का साइज़ हम लेते हैं 6 to 7 inch और ट्रेड का हम लेते हैं 10 inch। इसी तरह से पब्लिक बिल्डिंग्स में हम राइजर का साइज़ लेते हैं 6 inch और ट्रेड का हम लेते हैं 11 to 12 inch। नंबर ऑफ राइजर या फिर स्टेप्स निकालने का हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हाइट डिवाइड बाई साइज ऑफ राइजर। आप जो भी साइज़ यूज़ कर रहे हो राइजर का उससे आपको डिवाइड कर देना है हाइट ऑफ बिल्डिंग से। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला हमारा है वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ राइजर -1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ ट्रेड। यहाँ से आपके जितने भी नंबर ऑफ राइजर आएंगे उसमें से आपको माइनस करना है 1 और माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको साइज ऑफ ट्रेड से। यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है स्टेयर के लिए। सपोज कीजिए आपकी 12 फीट हाइट है बिल्डिंग की। इस 12 फीट हाइट के लिए आपको स्टेयर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं राइजर का साइज़ 6 इंच ले रहा हूँ और ट्रेड का 10 इंच। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, हाइट डिवाइड बाय साइज ऑफ राइजर। हाइट हमारी बिल्डिंग की कितनी है, 12 फीट। तो 12 फीट मैंने यहाँ पे ले लिया डिवाइड बाय साइज ऑफ राइजर। साइज ऑफ राइजर हमने कितना लिया है, 6 इंच। 6 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो 12 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 24 स्टेप्स या फिर राइजर आपके यहाँ से आ गए। इसी तरह से अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा था नंबर ऑफ राइजर -1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ ट्रेड। नंबर ऑफ राइजर हमारे यहाँ से कितने आए थे, 24। तो 24 -1 इज इक्वल टू 23। 23 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइज ऑफ ट्रेड से। तो साइज ऑफ ट्रेड हमने कितना लिया था, 10 इंच। तो 10 इंच को अगर आप फिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.83। तो 23 मल्टीप्लाई 0.83 इज इक्वल टू 19 फिट। तो 19 फिट आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिएगा इस स्टेयर को बनाने के लिए। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ स्टेप्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं स्टेयर के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि इससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।